डाउट्स पूछो, अगर आपने प्रैक्टिस किए तो आज मैं आपके डाउट्स लेता हूँ सारे पॉलिनोमियल्स चैप्टर के। चलो बच्चों, जिसका जो भी डाउट पेंडिंग है वो पूछ लो। कम ऑन। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट, बेटा कम ऑन यार, ये देखो ना, जैसे 4x² + 3x + 8 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स। मैं आपसे कहूं एफ ऑफ 2 निकालना है, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x = 2 पे, ये होती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। ओके समझ रहे हो ना? सर, NDA 3 का 8th क्वेश्चन। सर क्वेश्चन बोल दीजिए। हाँ चलो बेटा, अपने अपने क्वेश्चंस बोलो। जल्दी करो बच्चों। सर, बिल्कुल कैन आई आस्क? आप। सर, LDA 3 में 13th क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल FX = 2x³ - 15x² + 37x - 30 आर इन AP, फाइंड देम। बेटा एपी वाले क्वेश्चंस अभी मत करो, अभी हमने एपी नहीं किया है। प्लीज एपी वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा ना बाद में। सर क्वेश्चन, सर मैं बोल रहा हूँ सर, सर 8th क्वेश्चन है सर कि ऑन डिवाइडिंग PX बाय अ पॉलिनोमियल X - 1 - X² द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वर X - 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड PX। क्वेश्चन कितना है? सर क्वेश्चन सर X - 2 रिमाइंडर कितना है? थ्री फाइंड PX है ना? यस सर। तो पागल हो गया ना मेरे भाई। P ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर। देखो x - 1 - x² डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर है ना? ये समझ रहे हो ना बेटा? हमें यस डिविडेंड ही निकाल नहीं सकते क्या? बेटा ये तो बहुत इजी है, समझ गए? सॉरी सर, 8th क्वेश्चन सर मैंने सब्जेक्टिव का निकाल लिया था सर, सॉरी। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल AX² + BX + C where A is not zero and C is not zero। अब ये करूं, ये भी तो यस करवाया सर, था। चलो बच्चों सर क्वेश्चन है, आपने यहीं पे कराया था। ठीक है, म्यूट रहो, सारे म्यूट हो जाओ। एक क्वेश्चन है AX² + BX + C, इसकी जीरोज है अल्फा और बीटा, ठीक है, और हमें एक न्यू पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। न्यू पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, अच्छा, जिसकी जीरोज क्या होंगी? 1/α, 1/β। अच्छा, जो न्यू पॉलिनोमियल फॉर्म करना है वो होता है y = KX² - SX + P। एस क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। जो भी नया पॉलिनोमियल बनना है उसके रूट्स का सम, 1/α + 1/β। प्रोडक्ट क्या होगा? 1/α × 1/β। अब अल्फा प्लस बीटा तो यहां से पता ही है, -B/A। α × β यहां से पता है, C/A पता है ना बच्चों? ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, -B/A
सी बाय ए, ये बनेगा माइनस पी बाय सी, ये बनेगा वन बाय अल्फा बीटा वन बाय सी बाय ए, दैट इज ए बाय सी। बस अब वैल्यूज पुट कर दो, बात समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, माइनस बी बाय सी इंटू एक्स प्लस ए बाय सी, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस बी एक्स बाय सी, समझ आया? यस सर, सभी को? यस सर, जल्दी वीडियो ऑन रखो, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सर एक क्वेश्चन, हाँ जी, the sum of roots of 1 upon x plus a plus 1 upon x plus b is equal to 1 upon c is 0. The product of roots is? ये quadratic polynomial, ये quadratic equation दी हुई है, इसका sum of roots क्या दिया हुआ है? Is equal to 0. 1 upon c is equal to 0. नहीं नहीं ये लिखा हुआ है क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, वन बाय एक्स प्लस ए प्लस वन बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन बाय सी। यस सर। अच्छा, और लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स जीरो है। यस सर, ऐसे लिखे द सम ऑफ रूट्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस ए प्लस वन अपॉन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन अपॉन सी इज जीरो। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना है, बता देते हैं, कितनी गल है, पहले बेटा क्वाड्रेटिक बनाओ जल्दी, x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यस सर। वन बाई सी, अब ये बनेगा टू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जल्दी करो बच्चों, ये बनेगा एक एक्स स्क्वायर की टर्म, एक ए एक्स की टर्म बनेगी, एक बी एक्स की टर्म बनेगी, एक ए बी बनेगा। अब यहाँ पे 2xc बनेगा प्लस ac प्लस bc बनेगा, तो अब नेट क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस x कॉमन निकाल लेता हूं, a प्लस b माइनस 2c प्लस ab माइनस ac माइनस bc इक्वल्स टू जीरो। ये बात तो समझ गए ना? यस, सारी टर्म्स को एक साइड पे ले गया बच्चों, सारी टर्म्स को एक साइड पे ले गया। इसके बाद हमें क्या गिवन है, सम जीरो है, मतलब ए प्लस बी माइनस टू सी जीरो है, माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय ए जीरो है, मतलब ये वाली टर्म जीरो है। अच्छा, प्रोडक्ट पूछा हुआ है, प्रोडक्ट कितना होगा, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, सी बाय ए, हमारा सी तो अब ये है ना, अब डिपेंड करता है उन्होंने आंसर किस फॉर्म में पूछा हुआ है। चलो ए प्लस बी इज इक्वल टू टू सी आ गया, यहां से यहाँ पे तुम ए बी माइनस, किस फॉर्म में आंसर पूछा हुआ है छोटे सर? ऑप्शंस हैं एक जीरो, एक वन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस बी, एक वन अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा तो बच्चों किस फॉर्म में आंसर पूछा हुआ हमने, सी को एलिमिनेट करना है हमें, सी को एलिमिनेट करना है ना, तो ए बी माइनस सी कॉमन निकाल लो, ए प्लस बी, ठीक है, सी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ए प्लस बी बाय टू, समझ रहे हो ना? यस, सॉल्व कर लेते, टू ए बी माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर बाय टू, ये बन गया टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बाय टू, कट गया, क्या बन गया, ये बन गया मेरे भाई। सर सर, हाँ जी, इसमें सर आपने जब a प्लस b को होल स्क्वायर निकाला सर, अच्छा ठीक है, c की वैल्यू बच्चों यहां से पुट कर दी, a प्लस b बाय टू इस जगह पे, तो ये बन गया, जल्दी बताओ समझ आ गया सबको? यस सर। चलो अगला डाउट बेटा,
कुछ भी पूछ सकते हो आप पॉलिनोमियल्स का, जिसका जो डाउट है पूछ लो, आज डाउट क्लास है। सर फाइंड फिर क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज व्हेन द सम ऑफ द टू जीरो इज जीरो। दोबारा बोल क्वेश्चन आराम से। सर फाइंड द कंडीशन व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड by the coefficient of the polynomial x fx equals to x cube minus px square plus qx minus r when the sum of when the sum of its two zero is zero, when sum of its two zero is zero, two zeros are zero। देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है, इट्स एज सिंपल एज दैट आई थिंक सो। अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है जीरो, सम ऑफ इट्स टू जीरो, एक कंडीशन बतानी है जो सेटिस्फाई करेगी। अब आप सोच के देखो, अगर अल्फा प्लस जीरो, अल्फा प्लस बीटा जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से क्या आएगा, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा है जीरो, तो गामा किसके इक्वल आ गया, पी, मतलब एक रूट तो पी के इक्वल आ गया ना। यस बच्चों साथ साथ करो, ये अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो डाउट्स बने आप लोगों के मेरे हिसाब से, तो वैसे छोड़ो। एक रूट पी आ गया, तो इसमें अब जब रूट को डालूंगा, जब मैं इसमें रूट को डालूंगा तो आंसर जीरो आएगा ना, बात समझ रहे हो। यस यहाँ पे डाल लो वैल्यू एफ ऑफ गामा, ये गामा है गामा, और ये है आर, इसको मैं दूसरी तरह लिख देता हूँ आर। अब वैल्यू डालो, पी क्यूब माइनस पी, अच्छा ठीक है यार तू सोच के बोला कर यार, एक तो ना अनम्यूट रहता है, और पी पुट करके आंसर जीरो आएगा। यहाँ पे पी क्यूब कट गया, क्यू पी माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, क्यू पी इज इक्वल टू आर, ये कंडीशन बन गई बेटा। समझ आया जिसका ये डाउट था? वेरी गुड। अब बेटा कोई लड़की पूछ रही थी कुछ। यस सर, क्वेश्चन है इफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, भूल दिया क्या बोला गया है, तो कुछ नहीं समझ आया, दोबारा सांस ले लेके बोलो। If the polynomial fx is equal to x raised to power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। पहले तो ना पीछे गाने बंद करो, पहला काम तुम ये करो। सर ये पता नहीं बाहर कुछ चल रहा है, घर में नहीं चल रहा है ये सब। अच्छा तो तुमने किससे डिवाइड किया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k? यस सर। और रिमाइंडर क्या आया, x प्लस a, x प्लस a, ठीक है, तो हमें k और a निकालने बस। चलो बच्चों डिवाइड करो जल्दी, चलो 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 जल्दी, शाबाश डिवाइड करो। यहां पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, साथ में एक्स फोर आएगा, माइनस का टू एक्स क्यूब बचेगा, प्लस का के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, देखो फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया, माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब इज माइनस फोर एक्स क्यूब,
और यहां से प्लस का एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं 16 माइनस के, बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख रहा हूं। तो ये स्टेप क्लियर आया, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर नहीं पाएंगे तो मैंने एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के 16 माइनस के। ये समझ आ गया बच्चों सबको? Yes, वीडियो ऑफ करके बैठे हो, मुझे बाहर निकालना पड़ेगा यार, क्यों ऐसे करते हो? मैं बाहर निकालना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, दो मिनट ये क्वेश्चन खत्म कर दूं फिर निकाल देता हूं एक आधे को। अब फिर उसके बाद ये टर्म बनाएंगे, साथ में लिखेंगे माइनस फोर एक्स, यहाँ पे बन गया माइनस फोर एक्स क्यूब, साथ में बनेगा प्लस का एट एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया थोड़ा सा जचाके, माइनस फोर के एक्स। अब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया बच्चों, 16 माइनस के माइनस 8, समझ रहे हो ना? यहां से x कॉमन निकाल रहा हूं, 25 माइनस का प्लस का 4k, माइनस 25 प्लस 4k प्लस 10 एज इट इज। ये समझ आ गया ना सबको? Yes. अच्छा, अब 16 माइनस 8 अगर इसी को थोड़ा अच्छा करके लिख लूं तो ये 8 माइनस के ही बनेगा, ये x 4k माइनस 25 प्लस 10, थोड़ा रीअरेंज करके लिखा और कुछ नहीं, माइनस 25 इधर, 4 के इधर। होप सो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अगला स्टेप एक्स स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, कैसे होगा? यहां पे क्या लिखे बेटा, 8 माइनस के लिखे ना, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है 8 माइनस के, बट के की टर्म्स में। चलो जल्दी करो, यहां पे लिखो एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के, साथ में क्या बनेगा एक्स का कोफिशियंट, माइनस एक्स ऑफ 2 इंटू 8 माइनस के प्लस के इंटू 8 माइनस के। देखो समझ आया सभी बच्चों को? समझ आ रहा है? अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया। अब रिमाइंडर निकालो जल्दी, क्या आया? मैं पेज चेंज कर रहा हूं, तो एक तो रिमाइंडर आएगा x कॉमन निकाल के, यहां पे लिख रहा हूं x कॉमन निकाल के 4k माइनस 25, और ये है प्लस का हो गया होगा साइन, 8 टू जा 16 माइनस 2k, समझ गए ना? यहां पे बनेगा प्लस का 10 माइनस का k इंटू 8 माइनस k। देखो समझ आया, ये रिमाइंडर बना होगा, क्या सभी का बन गया बच्चों? अच्छा, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बोलेगा कोई साथ में क्या आया था एक्स के साथ? एक्स के साथ क्या आया बेटा, बोल दो गदो। फिर अभी तो सॉल्व कर, समझ आ गया? बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहां पे कांस्टेंट टर्म 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, देखो क्या ओके? बस सब सॉल्व करते हैं, 4 के माइनस 2 के, 2 के माइनस 25 प्लस 16 माइनस का 9 प्लस 10 इंटू। अब उन्होंने बोला था हमारा रिमाइंडर क्या है x प्लस a, तो कोई बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी कंपेयर करने पे? इक्वल टू x। ओए गदों, ये चीज 1 के इक्वल होगी ना, x का कोफिशिएंट 1 है, नहीं समझे? ये वाली टर्म a के इक्वल है। बेटा किसी को कुछ समझ आ रहा है ये क्या कर रहा हूं मैं, अगर घर पे पढ़ते हो थोड़ा बहुत? यस सर। ये बन गया 1 प्लस 9, k की वैल्यू बन गई 5। अब इसमें पुट कर दी, टेन
10 माइनस 5, 8 माइनस 5, 3, 10 माइनस 15, माइनस 5, ये आंसर आ गया बेटा, देख चेक कर लो, प्लस 5 और माइनस 5, क्या सभी साथ साथ पढ़ रहे हैं? लो पहले बाहर निकाल दे, देखते हैं, काफी बाहर निकलेंगे यार आज तो। मानिया समझ आया बेटा आपको? तानिश तो वीडियो ऑन कर ले जल्दी, अगर तुम लोग चाहते हो मैं आज घर पे फोन ना कर दूं तुम लोगों के, गुरजोत सिंह, अमनप्रीत सिंह, अदिति। मानिया समझ आया? यस सर। घर पे पढ़ा था तुमने? यस सर। चलो अगला डाउट पूछो बच्चों, कम ऑन। देखो डाउट डिस्कस करके भी तो रिवीजन ही होती है ना। चलो हाँ जी हाँ जी, बस इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते होते। इफ f of x is equal to ax square plus bx plus c has no real zeros and a plus b plus c is less than zero, then So MCQ है, a c minus c is equal to zero, b c less than zero, c greater than zero, d none of these. वैसे तुम लोग अभी तो नहीं कर पाओगे, ये आंसर आएगा b, मानती हो? सर कैसे आएगा? जादू है, मैथमेटिक्स एक नशा है। देखो कैसे, इसकी कोई रियल जीरो नहीं है तो नीचे नीचे को ग्राफ रहा होगा तो ये बन गया। सर हमको ग्राफ को देखकर बी की साइन कैसे पता चलता है? हाँ ये मैं सिखा दूंगा, अभी के लिए इसको लीव कर दो, ठीक है? एक एनटीएससी की क्लास लूंगा उसमें सिखाऊंगा। और बताओ सर, दो मिनट, एक अदिति का डाउट है। अदिति बेटा मेरे पास मैसेज तो ज्यादा टाइम नहीं रहता, छोटा सा पॉपअप होता है, तो तुम ऐसे बोल के बता दो अगर बता सकती हो। बोलना आता है अदिति? चलो कोई बात नहीं, जब तक अदिति देखती है कि बोलते कैसे हैं तुम लोग। सर मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी बोलो। सर इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इफ एफ इफ equals to x4 minus 6x x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3. Find the other zeros. यार करवाया तो था इस टाइप के। चलो बेचो एक और टाइप की सिचुएशन आई है हमारे सामने, अटैक करो क्वेश्चन पे। एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी दो रूट्स दिए हुए हैं, बाकी दो निकालने हैं, आता है ना सबको? देखो ध्यान से, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 डाल के आंसर जीरो आ रहा है पॉलिनोमियल में, x की 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और एक क्या है x को 2 माइनस रूट 3 डाल के भी आंसर जीरो आ रहा है। अगर ये इसका रूट है तो ऐसे बोल सकता हूं x माइनस टू माइनस रूट थ्री फैक्टर होगा, तो ऐसे बोल सकता हूं x माइनस टू प्लस रूट थ्री फैक्टर होगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना बेटा ये कल? Yes, बस अब अगर ये भी फैक्टर है ये भी फैक्टर है, एक एक से डिवाइड करने से अच्छा मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दो। समझाया था ना 75 की एग्जांपल लेके, याद है बच्चों? अच्छा अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी तो करनी है, कला है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, ये कितना बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब जल्दी से डिवाइड मारो बाई क्वाड्रेटिक को,
चलो बच्चों कम ऑन, अच्छे से लिखो, ये डाउट्स क्लास है हमारी, ये बहुत अच्छी होती है, सबसे अच्छी क्लास सीखने के लिए डाउट क्लास होती है। जितने ज्यादा आप मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे, जितना आप अपने डाउट्स को क्लियर करोगे, उतना अच्छी मैथमेटिक्स बनेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की नेचर ही ऐसी होती है कि इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो कंफ्यूजन तो इसका बाय डिफॉल्ट पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। इस क्लास में तो बहुत मजा आता है मुझे। जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्या आया। तानिश रिमाइंडर तो ऑब्वियसली जीरो आएगा। सर रियल जीरोस और डिस्टिंक्ट जीरोस एक ही बात है? नहीं नहीं कौन पूछ रहा है? गरीमो सर क्वेश्चन सर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 है। पक्की बात है? यस सर। अच्छा तो अब ये हमारा है डिविडेंड, ये हमारा है डिवाइजर, और ये हमारा आ गया क्वेश्चन। बस डिविडेंड को हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, डिविडेंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब मुझे रूट्स निकालने हैं, मतलब इसको इक्वल टू जीरो करना है, मतलब इसको इक्वल टू जीरो करना है और इसको इक्वल टू जीरो करना है। इसको इक्वल टू जीरो करके दो रूट्स निकाल लो, दो रूट्स निकाल लो, इससे तो दो रूट्स वही आएंगे। बता सकते हो इससे रूट्स क्या आएंगे बच्चों? यही आएंगे 2 प्लस माइनस रूट, समझ रहे हो? यस सर। दूसरे का भी निकल गया सर, x स्क्वायर माइनस 2 सर, 7 है और एक 5 है। ठीक है तो ये रूट्स बन गए, एक 7 5 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट। हाँ गरिमा की बात सुने अब। हाँ जी गरिमा जी बोलिए। रियल और डिस्टिंक्ट जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस, रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस का बेटा मतलब होता है कि दो अलग अलग रूट्स हैं, अलग अलग, जैसे यहां पे रियल है और डिस्टिंक्ट है। अगर मान लो रूट्स होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसके रूट्स 2 और 2 है ना, दो इक्वल रूट्स हैं, इसके रियल तो हैं पर इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल। अब जैसे रियल मतलब रियल नंबर, हाँ रियल मतलब रियल नंबर की फॉर्म में। चलो मैं आपको छोटी सी ये बात सिखा देता हूँ। देखो बच्चों गरिमा ने पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन होता है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे मेरी क्लास के तो अच्छी बात रहेगी, तो नोट्स में से ही सब कुछ आएगा, स्कूल के पेपर भी, एनटीएससी भी। अब इसके जो रूट्स होते हैं वो ये होते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एक होता है माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये दो रूट्स होते हैं, यहां तक तो सभी को पता है। अब बच्चों इस पार्ट को ना डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट, इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब होता है इसको थोड़ा समझते हैं, तो मैं इसको पहले क्लब करके लिख दूं, ठीक है, बस नाम दे दिया डी, डी कैपिटल डी। अब आप सोच के देखो, डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो सकती थी, ग्रेटर देन जीरो हो सकती थी, लेस देन जीरो हो सकती थी, तीन केस पॉसिबल थे ना। वैसे ये मैंने सिखाया आपको कभी पहले? नो नो सर नहीं सिखाया। नहीं, की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो होती तो रूट्स क्या बनते, माइनस बी प्लस माइनस जीरो बाय टू ए, माइनस बी बाय टू ए, एक ही रूट बनता ना। एक्चुअल में एक रूट नहीं, दो इक्वल रूट्स होते, हम इसको ऐसे बोलते हैं, टू इक्वल रूट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको सॉल्व करो जल्दी, रूट्स निकालो इसके, इस फॉर्मूले को यूज करके देखो क्या आ रहे हैं। इसका रूट माइनस 2 कॉमा माइनस 2 आ रहा है ना, इक्वल रूट्स हैं, टू इक्वल रूट्स,
इसका एक रूट नहीं है, इसके दो रूट हैं, बट दोनों की वैल्यू सेम है, इसको हम ऐसे बोलते हैं। क्या बात समझ आया? Yes. तो यहां पे इस कंडीशन, हाँ जी हाँ जी बोलो सर। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए को हम इक्वल्स माइनस बी अपॉन टू ए भी लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं यार, क्यों लिख सकते हैं? ये एक रूट है अल्फा, ये एक रूट है बीटा। यस सर। हाँ तो मैम जैसे सर जब हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाया था सर तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही थी। और डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है इस केस में। ओके okay. अब बच्चों इसको हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। ये कंडीशन किसकी होती है? रियल एंड इक्वल रूट्स की होती है। अब आपका एक घर पे काम है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए ही है। आपको इसका ग्राफ बनाना है, वैल्यूज पुट कर करके, वैल्यूज पुट करके ग्राफ बनाना है घर पे, ठीक है? पैराबोला शेप बनेगी, ध्यान से देखना। अच्छा अब अगला एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसके रूट्स निकालो जल्दी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट बताओ ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट जाने की ये वाली टर्म बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और घर पे आपको इसका भी ग्राफ बनाना है, ठीक है? ग्राफ बना के मुझे भेजना सारे, फिर देखेंगे किसके सही है किसके नहीं। ग्रुप में डालना, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें डालना ग्राफ। सर ग्रेटर देन जीरो। कितना ग्रेटर देन जीरो आया? कितना इसका डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट वन, वन नहीं डिस्क्रिमिनेंट। तो रूट्स कितने आ गए? सर टू कॉमा थ्री, दो और तीन। देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारे पास रियल रूट्स तो होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं, समझ रही हो करीमा? अच्छा अब बच्चों एक इक्वेशन और सॉल्व करके दिखाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलो कम ऑन, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले क्या आएगा। चलो चलो जल्दी करो। लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, माइनस लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है। कितना आ रहा है ये भी बता दो। माइनस थ्री, माइनस थ्री ये बन गया क्या? अब नेगेटिव ऑफ माइनस रूट थ्री एग्जिस्ट करता है रियल नंबर्स में? नहीं एग्जिस्ट करता भाई, ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, दिस इज इमेजिनरी। क्यों क्यों इमेजिनरी? अब ध्यान से समझो, प्लस वन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ध्यान से समझ लो, बस है एक मिनट का, इसको समझ आ जाएगा आज। अब x इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दूं, x स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, क्या ये पॉसिबल है? x स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, किसी भी चीज का स्केयर करके क्या नेगेटिव में कभी कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। तो मतलब x एक इमेजिनरी नंबर है, Here x is imaginary number. अब imaginary number क्या होते हैं वो हम बाद में सीखेंगे, बट ये तो समझ लो कि ये real नहीं है, तो यहाँ पे कोई roots आएंगे नहीं। आपको इसका भी graph बनाना है, ठीक है? घर पे यहाँ पे no roots की condition है, actual में real roots नहीं है, real नहीं है, imaginary है, but वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा imaginary का मतलब। अभी आप सिर्फ इतना सीखो कि no real roots, अगर discriminant less than zero हो जाता है तो no real roots। देखो इक्वल टू जीरो पे रियल एंड इक्वल रूट्स, ग्रेटर देन जीरो पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, लेस देन जीरो पे कोई रियल रूट नहीं होता। क्या बात समझ आई बच्चों? हाँ भाई अगला डाउट पूछो। चलो चलो कम ऑन।
डाउट है कोई और? यस सर। हाँ तो पूछ ले सर। ऑब्टेन अदर जीरोस ऑफ एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही तो अभी करके हटे। ओ यार तेरा दिमाग खराब है यार। नहीं सर मुझे नहीं पता। ग्राफ बनाते समय बी की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं बेटा? सिंपल ग्राफ होता है, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका ग्राफ बनाना। एक्स को वन पुट करो वाई आ जाएगा, एक्स को टू पुट करो वाई आ जाएगा, एक्स को थ्री पुट करो वाई आ जाएगा, फिर बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना, देखना ग्राफ ऐसा बन जाएगा। वैसे उसका साइन कैसे पता करते हैं? हाँ ग्रीमा वो मैं करवाऊंगा बेटा, मुझे पता है एनटीएससी में क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, बट मैं चाहता हूँ पहले थोड़ा सा, समझ रही हो ना? पिछली क्लास में मैंने पिछले साल पहले ही करवा दिया था, बट उससे बहुत नुकसान होने लगा, बच्चे हवा में उड़ने लगे, तो मैंने इस बार थोड़ा कंट्रोल से करवा रहा हूँ। ठीक है तुम टेंशन मत लो, जो अच्छे बच्चे हैं ना मैं उनको पूरे अच्छे से तैयारी करवाऊंगा हर एक चीज की, तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है, तुम्हें आईआईटी तक लेके जाने की टेंशन मुझे है। और तू गधे कुछ और पूछ ले अगर डाउट है। सर हां जी हां जी। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज द नेगेटिव ऑफ अदर देन इट a हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव B has no linear term and constant term is positive. C can have linear term. Same ID पे join कर लेना, ठीक है बेटा? पहले तो एक root दूसरे के zero है, तो alpha plus beta zero है, बस sum of roots zero हो गया। तो sum of roots यहाँ पे क्या है? Minus a। तो minus हाँ, यहाँ पे पहुँच गए थे जानवी जी। Yes, अब यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा जीरो हो गया, तो ए की वैल्यू जीरो आ गई माइनस बी बाय ए, तो इस क्वाड्रेटिक में लीनियर टर्म जीरो है। लीनियर वो मतलब एक्स का कोफिशिएंट जीरो है ना, तो ऑप्शन में ला लो अब कौन सी है, समझ रही हो ना? लीनियर टर्म एक्स का कोफिशिएंट होता है, मतलब तुम ऑप्शंस बोलो क्या क्या है, अब ऑप्शंस बोलो। चलो ए हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, B has no linear term and the constant term is positive. C can have a linear term but the constant term is negative. D can have linear term but the constant term is positive. देखो, linear term तो है ही नहीं पहली बात, ये linear term है ना, coefficient of x। अच्छा अब constant term, product of the roots alpha into minus beta is equals to c by a, ये negative आएगा ना? लीनियर yes. टर्म तो है नहीं। अब हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था कि बी की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? No, अच्छा तो बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है। yes, बात समझ रहे हो ना, एक रूट दूसरे के नेगेटिव के इक्वल है। yes, वेरी गुड, तो नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, जो भी ऑप्शन बनेगी। और पूछो भाई। पूछो सर। हाँ जी पूछो सर। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स इज टू पावर 4 प्लस 4 एक्स इज टू पावर 3 माइनस 2 एक्स इज टू पावर 2 माइनस 20 एक्स माइनस 15 If two of the zeros are root 5 and minus root 5. ये करवाया तो था वो कल। सर आंसर्स गलत आ रहे हैं सर। सर मेरे पीछे सर माइनस 3 नहीं आ रहा सर, मेरा माइनस 3 आ रहा है। भाई मैं तेरे आंसर से क्या ले कर सकता हूँ? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर x is equal to root 5, इसकी जीरो है तो x माइनस रूट 5 फैक्टर होगा। अगर x is equal to minus root 5, इसकी जीरो है तो x plus root 5 फैक्टर होगा। मान्या ये बात समझ आ गई बेटा? सर मनी। हाँ मनी। एक्स माइनस मान्या मनी की बात है। अब ये देखो, एक एक को मल्टी डिवाइड करने से अच्छा दोनों की मल्टीप्लाई को डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बन गया। यार गधे हो, बारी बारी सेम से क्वेश्चन करवा रहे हो।
जल्दी बताओ भी डिवाइड करके क्या बना, क्वेश्चन बताओ जल्दी। तो रुक जा दूसरों को भी मौका दे। देखो बेटा सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, अब अच्छे से तुम लोग घर पे पढ़ लो पॉलिनोमियल्स चैप्टर को। तुम लोग लीनियर इक्वेशन चैप्टर भी खत्म कर सकते हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर भी खत्म कर सकते हो। ये गरिमा भी तो कर रही है ना खुद से। भूमिका तुम्हारे साथ कोई बैठा है? नहीं सर कोई नहीं। अच्छा तुमने मेडिसिन ले ली अपनी? कौन सी मेडिसिन? जो भी होती चलती होगी तुम्हारी कोई? नहीं सर कोई नहीं चलती, वो तो मैं सर देख रही थी अपना सम खुद ही बोल के ये गलत कर दिया। अच्छा गदों क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन निकल रहा यार संत रूप, डिवीजन नहीं करनी आती तुम लोगों को। सर आ क्या सर एंड में गलती कर दी सर एडिशन में। सर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यस सर ये बन गया 3 आता है। अच्छा। सर मैंने 3 को 2 ले लिया। क्या फायदा है यार। डिविडेंड इज इक्वल्स टू x square minus 5 into x square plus 4x plus 3। अब roots निकालने हैं तो इसको zero करना है, मतलब इसको zero करना है और इसको zero करना है। यहां से तो root आ जाएंगे plus minus root 5। यहां से root क्या आएंगे? एक plus का 3, एक नहीं एक minus का 3, एक minus का 1। समझ रहे हो ना? तो root बन गए एक root 5, एक माइनस रूट फाइव, एक माइनस का 3, एक माइनस का 1। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या समझ आ गया सर? अब सर जो माइनस 3 उसकी जगह माइनस 1 लिखा हुआ है, मेरे भी सेम आया। माइनस 1 भी आया सर, दोनों बार माइनस 1 आया है, माइनस 3 आया ही नहीं पीछे। तो ठीक है आरडी की बुक है, भगवान गीता थोड़ी लिखी हुई है कृष्ण जी ने कि सही रहेगी सर एलडी में। तो कोई नहीं, वो भी तो इंसानों ने ही लिखा है यार। चलो आगे। भाई और क्वेश्चन है किसी का? सर एक क्वेश्चन है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए also of the polynomial px equals to x raised to power 5 minus x raised to power 4 minus 4x cube plus 3x square plus 3x plus b, which zeros of px are not the zeros of x cube x? रुक जाओ लड़की, सांस लिया करो बीच में। तुम ये बोला ये क्या है? For which सर, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ क्यूब एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए ऑल्सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी, विच जीरोस ऑफ पी एक्स आर नॉट द जीरोस ऑफ क्यूब एक्स? ठीक है ठीक है, मुझे लगता है लड़की पियर्सन कर रही है ना? सर एनसीईआरटी एग्जांपलर है। एनसीईआरटी एग्जांपलर है ये? ओह माय गॉड। ठीक है चलो भाई, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक पॉलिनोमियल है, यही पॉलिनोमियल है ना बेटा, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए। यस सर। इसकी जो भी तीन जीरोज हैं, इसकी तीन जीरोस होंगी कुछ ना कुछ, वो इसकी भी जीरोस हैं। ये बात समझ रहे हो? वो तीन जीरोस इसकी भी जीरोस हैं।
इस ए और बी की वैल्यू के लिए। बच्चों एक बात ध्यान से देखो, अगर इसके जो भी तीन जीरोज हैं वो इसकी भी जीरोज हैं, तो ये वाला पूरे का पूरा इसको डिवाइड कर देगा ना। इसके सोचो तीन फैक्टर्स हैं लीनियर, इसके पांच फैक्टर्स हैं, तीन तो यही वाले हैं, तीन तो यही वाले हैं, दो इसके अपने हैं कोई। बात समझ रहे हो ना, तीन तो यही वाले हैं, दो इसके अपने हैं कोई। क्वेश्चन समझ गए कितना इजी था। अगर हमें ये बात पता लग जाए कि जो ये वाली क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये इस पांच पावर वाली क्यूबिक को डिवाइड करेगी, पांच पावर वाले पॉलिनोमियल को। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा हुआ इसके तीनों के तीनों रूट्स, इसके भी तीन के तीन रूट्स तो हैं, और इसके जो दो रूट्स हैं वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता भी करने हैं। बात समझ पा रहे हो बेटा सारे? Yes, पक्की बात है सारे समझ पा रहे हो इस बात को? थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा। Yes. अच्छा अब आप डिवाइड कर दोगे, अब तो सिंपल क्वेश्चन ही बन गया ना ये। अब डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, उससे ए और बी निकल जाएगा। बात समझ रहे हो ना बेटा? Yes, sir. हो जाएगा ना अब ये क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, नहीं फिर मैं दोबारा करवा दूंगा डिवाइड करके। डिवाइड करके जो भी वो टर्म बनेगी सबके कोफिशिएंट से जीरो कर देना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी, लीनियर टर्म का भी, कांस्टेंट टर्म भी। कर दोगे ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो ठीक है आज की क्लास यहीं तक रखें। ओके सर। आपकी नेक्स्ट क्लास भी है बच्चों, तो ठीक है बेटा अब अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट करो। ऑल द बेस्ट, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। और जो मैंने ग्राफ्स दिए हैं, अच्छा ए माइनस वन आ गया, बी माइनस टू आ गया। अब जो मैंने ग्राफ्स दिए हैं वो बना लो प्लीज, आपको आइडिया लगने लगेगा। आप लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस कर सकते हो, आप खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से कर सकते हो। अब आप लोगों की मर्जी है पढ़ना है या नहीं पढ़ना। इफ यू वांट टू स्टडी देन प्लीज, इफ यू डू नॉट वांट टू स्टडी तो सो जाओ। ठीक है, सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।